दोस्तों, मेरा नाम है बलविंदर, आप देख रहे हैं सोई टेक्नोलॉजी। आज हम बात करेंगे रैम के बारे में, कितनी रैम होनी चाहिए आपके फोन में, कितनी रैम जरूरी है आपके पीसी के लिए, आपके लैपटॉप के लिए आज, और ये रैम होती क्या है। रैम, यहाँ इसका टेक्निकल लैंग्वेज में फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर मैं आपको सरल भाषा में इसको बताऊं तो मान लीजिए कि आपके काम करने का एक टेबल है और आपके पास एक कमरा है जहाँ पे आपने सारा का सारा अपना सामान रखा हुआ है जिसके ऊपर आप काम करते हो। वो उसमें से कुछ सामान ला के आप टेबल पे रख के उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देते हो, आपको और सामान की जरूरत पड़ती है, आपको दोबारा से कमरे में जाना पड़ता है, वहां से सामान लाके टेबल पे रखना पड़ता है। अगर जगह नहीं हो तो पुराने सामान को हटा के उसकी जगह पे नया सामान रखना पड़ता है। तो यहाँ पे जो टेबल है एग्जांपल में, वो आपकी रैम है और जो कमरा है वो आपके मोबाइल का मेमोरी कार्ड हो सकता है और आपकी कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव हो सकता है। तो जितना बड़ा आपका टेबल होगा उतना ज्यादा सामान आप उसके ऊपर रख के एक बार में ज्यादा काम कर पाओगे, आपको बार बार कमरे में नहीं जाना पड़ेगा। यही चीज है रैम पे, रैम जितना बड़ा होगा उतनी ज्यादा फाइल्स, उतनी ज्यादा एप्लीकेशन अपने पास रख पाएगा लाइन में, ताकि जिस चीज की प्रोसेसर को जरूरत पड़े उसको वो चीज वो सेंड कर दे पड़ेगी आसानी से। और जितना के वो प्रोसेसर का काम उसको प्रोसेस करेगा और आपकी एप्लीकेशन जल्दी से खुल जाएगी। अगर रैम छोटी होगी तो उसको बार बार आपके मेमोरी कार्ड में, आपकी हार्ड डिस्क में जाके वो फाइल को सर्च करना पड़ेगा, लेके आना पड़ेगा, फिर उसको प्रोसेसर को सेंड करना पड़ेगा और पुरानी एप्लीकेशन को हटाना पड़ेगा या फिर उसको बंद करना पड़ेगा। इससे आपका प्रोसेस स्लो होगा, आपकी एप्लीकेशन धीरे खुलेगी अगर आपके पास रैम कम होगी। रैम ज्यादा होगी तो आपकी सारे के सारे एप्लीकेशन बहुत ही आसानी से खुल जाएंगी। अगर आपने एक से ज्यादा एप्लीकेशन खोल रखी है तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप एक के बाद दूसरी एप्लीकेशन पे बड़ी आसानी से स्विच कर पाओगे। बहुत बार आपने मोबाइल में देखा होगा, अगर आप बहुत सारे एप्लीकेशन खोल रहे हो, व्हाट्सएप खोल लिया, फेसबुक खोल लिया, वीचैट खोल लिया और बहुत सारे एप्लीकेशन खोल लिए, सडनली आप कोई गेम खोल लेते हो तो वो गेम जो है वो आपके मोबाइल की मैक्सिमम रैम को कंज्यूम कर लेता है। उसके बाद अगर आप स्विच करके किसी और एप्लीकेशन पे जाते हो तो वो थोड़ी सी स्लो खुलती है, तो क्यों वहां पे उसको दोबारा से आपके मेमोरी कार्ड से, आपके सिस्टम की मेमोरी से सारी की सारी फाइल्स दोबारा से उठाने पड़ते हैं, दोबारा से रीड करने पड़ते हैं, फिर आपको वो एप्लीकेशन दिखाई देती है। तो यहाँ पे रैम जितनी बड़ी होगी आपके मोबाइल में, जितनी बड़ी होगी आपके पीसी में, उतना आपके लिए बढ़िया होगा। आजकल हम लोग देखते हैं कि DDR3 है, DDR4 है, यहाँ पे DDR3 बढ़िया है और DDR4 है तो आपके पास तो और भी बढ़िया है। तो यहाँ पे इनकी स्पीड वैरी करती है और इनकी पावर कंजप्शन लो है DDR4 की और DDR3 की भी। पहले आते थे DDR2 और DDR1, अभी तो वो सब कुछ वो सेशन ओवर हो चुका है, बंद हो चुका है, वो वाले रैम अभी तो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अभी आपके रैम, आपका फोन है, आपके पास पीसी है कोई भी, उसके पास में आपको मिलेगी DDR3 और DDR4 है तो और भी बढ़िया है। और जितनी बढ़िया आपकी रैम होगी उतना स्मूथ आपका पीसी चलेगा, उतना स्मूथ आपका फोन चलेगा, उतनी जल्दी आप काम कर पाओगे। तो होप दोस्तों आपको ये रैम का समझ में आ गया होगा कि रैम है क्या और ये काम कैसे करती है। अब आप जब भी कोई फोन लोगे, जब भी कोई पीसी लोगे तो उसके अंदर आप आसानी से देख पाओगे कि आपको कितनी रैम चाहिए, आपका कौन सा काम है, आपका ग्राफिक का काम है, का वीडियो का काम है, ऑडियो काम है, जैसा भी आपका काम है, ऑफिस का काम है, वैसे ही उस हिसाब से अपना फोन और अपना पीसी आप चूज कर पाओगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना जरूर मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।